नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से, जहां आप लोग देख ही रहे होंगे कि कटाई के बाद सब जो किसान हैं वो अपने खेतों में आग लगा देते हैं। हालांकि सरकार द्वारा इस चीज़ पर बैन ज़रूर लगाया गया था, लेकिन फिर भी लोग जो हैं मानते नहीं हैं, जिसकी वजह से महज 15 साल के रोहित ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, उसकी जान चली गई। कल जो है शाम को मोहित जो है अपने पिता को चाय देने खेत में गया हुआ था, जहाँ पर आग लगी हुई थी और मोहित जो है उस आग के अंदर झुलस जाता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, मूनक थाने का जो है ये मामला पड़ता है, कौन से गांव का रोहित रहने वाला था, उस पर एक बार बातचीत कर लेते हैं। केस के जो आईओ हैं फिलहाल वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब का ये वाक्या है, क्या नाम था बच्चे का, क्या उम्र थी और कैसे हुआ ये हादसा? ये कल मैडम शाम को कई काफ़ी आग लगी थी खेतों में। ये अपने पिताजी के खेतों में चाय देने गया था। रोहित नाम इस लड़के का, उम्र थी 15 वर्ष, 10वीं क्लास का स्टूडेंट है। ये जो आग लग रही थी उस आग की धुएं में घुट कर पड़ गया था और फिर आग की लपेट में आ गया, वहीं खेत में ही झुलस गया। ये वहां से भाग कर अपने खेत के ट्यूबवेल बढ़िया होता है जो कोठा ट्यूबवेल का, उसमें बढ़ने की ने वो बहुत कोशिश करी, लेकिन वहाँ तक यूँ नहीं पहुँच सका। सर, सरकार द्वारा कहीं ना कहीं बैन लगाया गया था इस चीज़ पर कि इस तरीके से जो फाने बच्चे होती हैं उनको नहीं जलाया जाए, पोल्यूशन भी उससे बहुत ज़्यादा फैलता है, लेकिन फिर भी लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? कार्रवाई भी हो रही है इनके खिलाफ, जो फाने में आग लगा रहे हैं, 188 पर्चे दर्ज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मर रहे। कल जो है ये आग 2-3 गाँवों से लगती हुई इनके गाँव में आई थी, इन्होंने अपने फानों में कोई आग नहीं लगा रखी थी, पीछे से ही आग लगती आ रही थी। मतलब वो हवा तेज होने के कारण एकदम से आग लग गई। हवा तेज होने के कारण इनके खेतों में भी आग घुस गई थी। काफी कूफ जो बटोड़े होते हैं, लकड़ियां होती हैं खेतों में, कणक काटने के बाद जो तूड़ा बनाने के लिए फाने थे वह सभी जल गए। कम से कम भी 1000 एकड़ में को आग घूमी कल। तो सर, कहाँ का रहने वाला है बच्चा ये और आग कहाँ कौन से एरिया में लगी? ये रोहित है, इसके बाप का नाम रमेश है, गांव राजपुतान, बाल राजपुतान का रहने वाला है। क्या कुछ एक मैसेज देना चाहोगे उन पेरेंट्स को जो अक्सर मतलब इस तरीके से बच्चों का भी ख्याल जरूर रखना चाहिए, खेतों में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसी आग बहुत ज्यादा लग रही है, आगजनी की जो घटनाएं हैं काफी सामने आ रही है। देहात में मैडम जी लोग नहीं मानते, सबको पता भी होता है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, कानून भी अपने कार्रवाई कर रहे है, प्रशासन पूरी शक्ति से निमट रहा, फिर भी लोग नहीं मानते। अपने खेत को साफ करने के लिए, ड्योड़ों को साफ करने के लिए थोड़ी आग लगा देते हैं, ये तो नहीं देखते भाई आग किसका कितना नुकसान होगा, किसी की जान भी जाती है, पक्षी ही मरते हैं, जानवर ही मरते हैं, इंसान ही मरते हैं, नहीं समझते लोग। तो इस पर अब आगे किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इस पर इन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ये तो इतफाक से धुम्मे में दम घुटने से पड़ गया, भागने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन धुआं इतना था कि घुट के मर गया, वहीं झुलस गया भाई। तो ये थे केस के आयु, जिन्होंने बताया किस तरीके से कल जो है शाम को आग लग जाती है, दो खेतों में आग लगने के बाद वो जो आग है वो रोहित जो है अपने पिता को चाय देने के लिए गया हुआ था खेत में, और वो जो है बलि चढ़ जाता है उस आग की, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा भी जो है ये समझाया जा रहा है कि बिल्कुल भी जो बचा हुआ जो जो फाने होती हैं उसमें आग बिल्कुल भी ना लगाएं, उस पर बैन भी लगाया गया था और 188 के तहत उस पर जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, लेकिन फिर भी किसान मैं कहूंगी कि इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं और लगातार इस तरीके की जो आगजनी की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से महज 15 साल के रोहित ने, जो कि 10वीं कक्षा का पढ़ने वाला था, उसने जो है अपनी जान गंवा दी। आगे के लिए भी एक ये सबक ज़रूर बन गया है, क्योंकि इन दिनों में हर बार हर साल इसी तरीके की खबरें ज़रूर आती हैं कि कभी कोई जल कर मर गया हादसे में, तो कभी कोई और हादसा हो गया, और लगातार हवाएं भी बहुत इस सीज़न में जो है चलती हैं, जिसकी वजह से खेतों में कई बार खुद से आग लग जाती है और कई बार खुद किसानों द्वारा लगाई जाती है खेत साफ करने के लिए। लेकिन आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी, एक तो कमेंट सेक्शन में उस बच्चे के लिए RIP लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग भी किसान हैं तो आप लोग भी बची हुई फानों को आग बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इस पर बैन भी लगा हुआ है, और जैसा कि इंचार्ज साहब का कहना था कि आगे चलकर इस पर कार्रवाई भी हो सकती है और जो भी इस तरीके की चीज़ करेगा उस पर जो है मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुँच सके कि किस तरीके से 15 साल का रोहित जो है खेतों में आग की वजह से बलि चढ़ जाता है, आग लगाने की वजह से बलि चढ़ जाता है
और कहीं ना कहीं उसके परिवार को भी जो है टिपटॉप हरियाणा की टीम यही संतावना देना चाहेगी कि धैर्य रखें और आगे किसानों के लिए भी यही मैसेज कि इस तरीके से खेतों में आग बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि अगर हम फायर ब्रिगेड की भी बात करते हैं, जितनी पॉपुलेशन पर जितनी फायर नंबर ऑफ फायर ब्रिगेड्स चाहिए होती हैं वो करनाल में अवेलेबल जो है बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पूरे ज़िले की बात करें, फायर ब्रिगेड का भी जो नंबर है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से, जहाँ हमने आपको बताया किस तरीके से एक बहुत ही दुखद मामला जो है वो सामने आया है। महज 15 साल का रोहित जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता था, पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, माँ बाप का जो फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है, कल अपने पिता को खेतों में चाय देने के लिए गया था और इस तरीके से आग के अंदर तड़प तड़प कर जल कर मर जाता है। हालांकि उसने पूरी कोशिश की कि वो वहाँ से निकले और जैसा कि इंचार्ज ने भी बताया कि ट्यूबवेल तक उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रोहित अपनी जान गंवा बैठा और जान नहीं बचा पाया इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से। जिसने भी अभी तक टिपटॉप हरियाणा के पेज को फॉलो लाइक नहीं किया है, करनाल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए पेज को फॉलो लाइक भी जरूर कर दें और किसी भी न्यूज एडवर्टाइजमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। सहयोगी अंजलि राठी व संजना के साथ मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा करनाल।